सबसे पहला केस बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहली एग्जांपल आपके पास है मार्क्स परसेंटेज की। ये हम बचपन से कैलकुलेट करते आए हैं। मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आपके पास ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। जो बेसिक आपके पास रूल है ना वो समझ लें। वो ये है कि जिस चीज़ की परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को न्यूमिरेटर में रखना है, टोटल वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। हर तरह के फार्मूला को ऐसे ही जनरेट किया जाएगा। आप जब 12 केसेस सॉल्व करेंगे ना तो उसके बाद किसी भी तरह का केस आपके पास आ जाए आप उसका फार्मूला खुद ही जनरेट कर सकते हैं। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक रूल याद रखें, जिस चीज़ की परसेंटेज आपने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू को ऊपर रखें, टोटल वैल्यू को नीचे रखें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो अब हम वन बाय वन 12 केसेस देखेंगे और हर केस का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो क्वेश्चंस पास पेपर से होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, अ बॉय स्कोर्ड 75% मार्क्स आउट ऑफ 60, फाइंड हिज मार्क्स। हमने एक बच्चे के मार्क्स बताने हैं कि उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके मार्क्स की परसेंटेज गिवन है और टोटल मार्क्स गिवन है। आउट ऑफ 60 का मतलब यह है कि टोटल मार्क्स 60 थे, 60 में से उसने जो मार्क्स लिए हैं उसकी परसेंटेज हमें बताई गई है कि वो 75% लिए हैं। हमें बताइए उसके मार्क्स 60 में से कितने हैं। तो आपके पास इसका फार्मूला, मार्क्स परसेंटेज का फार्मूला आपको याद है, वो आपने जनरेट करना सीख लिया है कि टोटल मार्क्स नीचे रखने हैं, ऑब्टेन मार्क्स ऊपर रखने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। अब इसमें जो जो डाटा गिवन है ना उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज सब्सिट्यूट करते जाएं। आपके पास 75% मार्क्स की परसेंटेज है तो आप मार्क्स परसेंट की जगह पे 75 लिख देंगे। ऑब्टेन मार्क्स आपने फाइंड करने हैं उसकी जगह पे हम एक्स लिख देंगे। और टोटल मार्क्स आपके पास 60 हैं उसकी जगह पे हमने 60 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़ आ गया। अब ये उसी तरह की फॉर्म बन गई है जिस तरह हम ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आपने इसको एक्स के लिए जस्ट रीअरेंज करना है और आंसर आ जाना है। तो आप 60 जो राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है वो जब उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 100 है वो जब उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100। 75 और 60 को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 4500 डिवाइडेड बाय 100। 100 की टू जीरोज 4500 की टू जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 45 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा एडवांस मूव करेंगे।